याद होगा कि मैंने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या जो थी ये जो किसान के भेष में गुंडे बैठे हैं, खालिस्तानी गुंडे आ गए हैं। अगर ये कहीं चुनाव परिणाम उलट उल्टा आया होता तो इन गुंडों को दिल्ली का रास्ता मिल जाता। वो कह रहा कि ये सबसे बड़ा झटका जो है वो किसान आंदोलन में जो गुंडे बैठे हैं उनके लिए है। अब वो साजिश कितनी खतरनाक है आप लोग लाल किले में देख चुके, 26 जनवरी में घुस के जब इन्होंने नंगे नाच किया था, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब इनका सबका मुंह काला हुआ था तो उसने क्या कहा था कि हम तो पिच तैयार करने वाले लोग हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं, हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। दो बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। सर, उन्होंने गिरोह शब्द का इस्तेमाल किया, अर्बन नक्सल हाँ। गिरोह, ये सामान्य मामला नहीं है। इतना तीखा तेवर क्यों था पीएम मोदी का? मनीष जी, उसकी वही वजह है जो कल हम लोगों ने किया, जो फिर हम लोग बड़े उससे कहेंगे गर्व के साथ, किसी ने उस पर बात नहीं की थी कि ये पूरा चुनाव किस बात पर केंद्रित था, और जो बैकडोर से लोग इसके ऊपर जो पूरा पूरा एक तरह से इस पूरे चुनाव को ऑपरेट कर रहे थे वो हुड्डा और शैलजा और राहुल गांधी और फलाने ढिमाके, ये सब केवल चेहरे थे, कोई बड़े लोग काम कर रहे थे इसके पीछे। वही 11,000-12,000 किलोमीटर दूर बैठे, और वो बात प्रधानमंत्री तक तो थी ही सूचना, और उस बात से आज उन्होंने इसीलिए सबसे पहले उन्हीं पर अटैक किया कि उनका इकोसिस्टम और वो जो तथाकथित नक्सल गिरोह, तो वो नक्सल गिरोह की जो बात हम लोगों ने मनीष जी कल कही थी, अगर जिन्होंने हमारा हम लोग का कल का कार्यक्रम देखा है उनको याद होगा कि मैंने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या जो थी ये जो किसान के भेष में गुंडे बैठे हैं, खालिस्तानी गुंडे आ गए हैं। अगर ये कहीं चुनाव परिणाम उलट उल्टा आया होता तो इन गुंडों को दिल्ली का रास्ता मिल जाता, और आज हमारी बात की पुष्टि उस गिरोह ने खुद ही कर दी, वो खुद अर्बन नक्सल गिरोह एक तरह से उसने खुद ही कर दी। तो प्रधानमंत्री मोदी को सारी सच्चाई, मैं अक्सर कहता हूं जो बातें हम लोग को मालूम होती हैं, जो जानकारी हमारे पास होती है उससे बहुत ज्यादा जानकारी प्रधानमंत्री के पास होती है, तो उनके पास वो सारी जानकारी एकत्र है, और आज उन्होंने इसीलिए इनको टारगेट किया, और किस तरह से बरगला रहे थे वो भी टारगेट किया, लेकिन ये क्यों बरगला रहे थे वो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बोला। जरा मनीष जी दिखा दीजिए अपनी स्वीकारोक्ति उनके मुंह से खुद कि अगर ये हो जाता तो क्या, अगर वो कांग्रेस की सरकार बन जाती तो किस तरह से वो जो खालिस्तानी गुंडे फंसे हुए हैं जिनका हम लोगों ने कल बड़े विस्तार से बताया था, वो उन गुंडों को दिल्ली के अंदर एक तरह से किसी प्रकार की बाधा बिना बाधा के वो एंट्री कर जाते। ये जरा दिखाइए मनीष जी, वो जो किसान दर्शकों को ध्यान से सुनिएगा इसको, किसान आंदोलन के लिए कितना बड़ा झटका है। ऐसा लग रहा था कि अगर हरियाणा में सरकार बदली तो दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा, संघर्ष और आंदोलन के लिए ज्यादा गुंजाइश बन पाएगी,
ये जो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ हरियाणा में, उसे उनके लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं? देखिए, किसान आंदोलन का काम तो दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हो चुका था, यानी कि हरियाणा में 2019 में जिस तरह की बढ़त लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थी, तब बीजेपी को 58% वोट था, कांग्रेस को 28% वोट। इस बार लोकसभा चुनाव आते आते दोनों का वोट शेयर बराबर हो गया, इनफैक्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 1% बढ़ गया। इसका प्रमुख कारण तो किसान आंदोलन ही था, जमीन तो बदल, लेकिन उसको अंत में वोट में कन्वर्ट करने का काम तो पार्टी का होता है, वो काम में मेरे ख्याल में सफल नहीं रहे। और हाँ, इसका असर ये जरूर होगा कि जो किसान आंदोलन की वो समझ थी कि भाई अब हम पंजाब से मार्च करना शुरू करेंगे, अब हमें दिल्ली में रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं, तो नहीं हुआ, रास्ते में रोकने वाला है, और उससे झटका लगेगा। और किसान आंदोलन को एक चीज पर, किसान आंदोलन तो चुनाव लड़ नहीं रहा था, लेकिन किसान आंदोलन जो कुछ प्रभावी दमदार किसान जातियों के हाथ में आ जाता है, उसके बारे में सोचना होगा कि एक व्यापक सहमति किसान आंदोलन कैसे समाज में बना। जरा मनीष जी सुन लीजिए, इसके बाद कुछ रह जाता अपने सारे कपड़े इन्होंने खुद फाड़ दिए। वो कह रहा कि ये सबसे बड़ा झटका जो है वो किसान आंदोलन में जो गुंडे बैठे हैं उनके लिए है, और वो कह रहा कि हाँ पहले अगर वो जीत जाती कांग्रेस तो बाधा ना आती, और अब तो बाधा आएगी। तो अपने आप ये इनका टारगेट क्यों लगे हुए थे वहां पर, रात दिन एक किए हुए था, ये पूरे देश को बरगला रहा था वो, अपने ये समझिए कि ये किसान आंदोलन कितनी बड़ी साजिश है कि ये चुनाव हारने के बाद ये कांग्रेस और दुनिया डिस्कस नहीं कर रहे, ये उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे अब क्या होगा और अब किसान आंदोलन का क्या होगा, क्योंकि अब तो 5 साल ये घुसना नहीं, इनके हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे। तो वो एक बड़ी साजिश थी, और वो साजिश कितनी खतरनाक है आप लोग लाल किले में देख चुके, 26 जनवरी में घुस के जब इन्होंने नंग नाच किया था, ये दोबारा घुसने का प्लान बना रहे थे जिनको हरियाणा की पुलिस रोके हुए थी, तो अब इनको इनके वो मंसूबे हो गए ध्वस्त। लेकिन मनीष जी, आपने उस गंधौर यादव को सुना, वो क्या कह रहा है, वो उसका भी एक तरह से पूरा उसने अपना नकाब नोच के फेंक दी, वो भी इसी काम में जुटा हुआ था, और उसने वही बात कही जो उसने, आपको याद होगा जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब इनका सबका मुंह काला हुआ था तो उसने क्या कहा था कि हम तो पिच तैयार करने वाले लोग हैं, हमने पिच तैयार कर दी थी, बॉलिंग बैटिंग करना तो पार्टियों का काम है। वही काम इसने आज कही, वही बात इसने आज भी कही कि हमारा काम तो आंदोलन के लिए माहौल बनाना है, पर मेन काम तो पार्टियों का होता है, पार्टी उसमें असफल रही। तो ये किसान आंदोलन के नाम पर ये किस तरह की साजिश हो रही है किसानों के नाम पर, इस देश में किसानों को और पूरे देश को किस तरह बरगलाया जा रहा है, ये अपने आप में इन दोनों की जो बातचीत है एक मुश्किल से 1.5 मिनट की, ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। ये बताते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन इनका इरादा क्या है वो देश के विरुद्ध है, देश के खिलाफ है, और देश के लिए बहुत खतरनाक है वो। और वो सारी बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है, तो उनके पीछे ये सारी जानकारियां उनके पास है, तो उन्होंने इसीलिए देश को आगाह किया कि इन जैसे लोगों को बड़े दूसरे तरीके से, आम आदमी को भी निपटना चाहिए, सरकार तो इनसे निपटेगी लेकिन आप भी इनसे बड़े बुरी तरीके से निपटिए, तब ये काबू में आएंगे, अन्यथा ये बेकाबू होते चले जा रहे हैं।